मेरे दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आज माँ बाप को अपनी औलाद की फिक्र कितनी है और उस वक्त पैगंबर को अपनी औलाद की फिक्र कितनी थी और कैसी कौन सी फिक्र थी, तो कुरान उसका नक्शा खींचता है। अम कुंतुम शुहदा इध हज़र याकूब अल मौत इध काल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون। मुझे सिर्फ एक बात बताना है कि हर माँ बाप की फिक्र अपनी औलाद के लिए होती है कि औलाद सुकून से रहे, खुशहाल रहे, कामयाब रहे, तरक्की करे, इज्जत वाली बने, सब कुछ फिक्र होती है माँ बाप को। लेकिन अफसोस है कि औलाद के दीन की फिक्र नहीं होती। दुनिया की फिक्र बहुत है, दीन की फिक्र नहीं। तो कुरान क्या कहता है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, मौत करीब आई, आपकी वफात का वक्त आया, तो आम तौर पर जब लोग ज़्यादा ही बीमार सीरियस होते तो घर वाले घेर के रहते, क्या है कि कब निकल जाते कि कब क्या होता कि बोल के आम तौर पे घर वाले, तो उनके सारे लड़के उनको घेरे हुए थे। वो कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके वालिद भी पैगंबर, जिनके दादा हजरत इब्राहिम भी पैगंबर, हजरत इस्माइल चचा वो भी पैगंबर, और उनकी औलाद जिन जो घेरी हुई है आज, वो भी आगे चल के पैगंबर। वो मुकाम है उनका, वो अपने बेटों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जब मौत करीब आई तो बेटों को सारों को मुतवज्जे किया और फरमाया, पूछा उनसे कि बेटा मैं तो दुनिया में था, जहाँ तक हो सके तुम्हें अल्लाह से जोड़ने की, ये अल्लाह के अहकामात पर अमल कराने की कोशिश करा, शिर्क से, खुराफात से, बिदात से तुम्हारे को बचाया, अब एक बात मेरे को बताओ, मेरे मरने के बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे? इसलिए कि वो जिस इलाके में थे वो गैरों का, मुशरिकों का इलाका था, वहाँ पर मुसलमान अकलियत में थे, बिल्कुल माइनॉरिटी में थे, तो उन्हें फिक्र थी अपने नस्लों के ईमान की, अपने नस्लों के अकीदे तौहीद की, अपने नस्लों के दीन की फिक्र थी। इस वास्ते उन्होंने आखिरी वक्त में कोई सवाल किया कि बेटा ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी परस्तिश? तो बेटे भी चूंकि पैगंबर बनने वाले थे, उन्होंने फरमाया अब्बा जान आप इस बारे में इत्मीनान रखिए, हम इंशाल्लाह आपके बाद भी आपके और आपके वालिद गिरामी, आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल वगैरह के जो खुदा हैं, जो माबूद हैं, हम भी उसी माबूद की इबादत करेंगे। तो हज़रत याकूब ने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे दोस्तों, आज हम बिस्तर मर्ग पे पड़े होते हैं तब भी हम दुनिया की चक्कर में पड़े हुए हैं, देखो मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, कि देखो वो जायदाद है नहीं, वो चुन्नू पासा को दे दो, वो है नहीं वो घर वहाँ, वो मुन्निया को दे दो, वो देखो ऐसा है नहीं, मैं रहता हूँ कि जाता हूँ कि हमारे बच्चे तो ज़रा खा पी के आवारा बनना ना, जरा बारों को आबाद करना, कलबों को आबाद करना, मैं रह तक कंट्रोल कर लिया, अब मैं नहीं रहा तो क्या है कि उनको खर्चे वर्चे के वास्ते, तो मरते वक्त भी दुनिया की फिक्र है और नबी को मरते वक्त अपनी औलाद के दीन की फिक्र थी।